दर्शकों का फेवरेट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी का काफी अच्छा मनोरंजन कर रहा है। कोरोना और लॉकडाउन की परेशानियों के इर्द गिर्द घूम रहे इन एपिसोड्स को दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शो के आने वाले एपिसोड में कई ऐसे नए ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि ना कि आपको सिर्फ हंसने पर मजबूर करेंगे बल्कि शो की कहानी को भी पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि लॉकडाउन से परेशान होकर अय्यर किसान बनने का बंद मना लेता है। वो बबीरा संघ हमेशा के लिए अपने गांव चला जाएगा लेकिन जैसे ही बात जेठालाल को पता चलेगी वो इस बात का विरोध करेगा। बबीता जी को खुद से दूर जाता देखकर जेठालाल अलग अलग तरह की दलील देकर अय्यर को रोकने की कोशिश करेगा। वो गांव की उन परेशानियों को उठाएंगे जिस वजह से वहां पर रहना अय्यर और बबीता जी के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अय्यर तो मन बना चुका है कि वो बबीता जी के साथ में हमेशा हमेशा के लिए अपने गाँव चला जाएगा। तो ऐसे में जेठालाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्या बबीता जी और अय्यर भाई को रोकने के लिए जेठालाल के सारे प्रयास फेल हो जाएंगे और क्या अय्यर भाई और बबीता जी हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर अपने काम चले जाएंगे, ये सारी बातें आपको आने वाले एपिसोड में देखने को पता चलेंगी। वैसे सोशल मीडिया पर मेकर्स की तरफ से एक प्रोमो भी शेयर किया गया है। प्रोमो को देखकर पता लग रहा है कि जैसे जैसे जेठालाल की मुसीबत बढ़ेगी वैसे ही आपको हंसी भी ज़्यादा आएगी। ये प्रोमो इस समय वायरल हो चुका है। मालूम हो कि ये सारा नाटक तब शुरू हुआ था जब पिछले कुछ एपिसोड में चंपक चाचा ने घर के सभी लोगों को फोन करके उनका हालचाल जाना। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सभी लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और जिंदगी से ऊब चुके हैं। आने वाले एपिसोड में अय्यर और जेठालाल के बीच जमकर बवाल होने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।